राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में सेना ने पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम बैट हमले को नाकाम करते हुए जवाबी कार्रवाई में सीमा पर 10 आतंकी मार गिराए हैं। आतंकियों के 2 लॉन्चिंग पैड भी तबाह कर दिए गए। शहर के पीर मिठा इलाके में पकड़े गए लश्कर के मददगार को 5 दिन के पुलिस रिमांड में ले लिया गया है। पुलिस ने डोडा और किश्तवाड़ जिले में भी मंगलवार को छापेमारी की। आरोपी मुबस्सर भट्ट के संपर्क में रहने वाले 6 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। इनमें से कुछ के हिजबुल और लश्कर के लिए काम करने की आशंका है। पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB से लगी भारतीय चौकियों और नागरिक ठिकानों को लगातार निशाना बना रखी है। इस साल अब तक सीमा पार से 2,432 से अधिक बार किसी उकसावे के बिना संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। इसमें 14 नागरिक मारे गए जबकि 88 घायल हुए। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो के 8 नए कार्यालय खुलेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने आदेश जारी किया है। जम्मू सांभा कठुआ जिला जम्मू ब्यूरो कार्यालय के अंतर्गत आएंगे। वहीं डोडा किश्तवाड़ और रामबन जिलों को डोडा एंटी करप्शन कार्यालय से जोड़ा जाएगा। श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्तावित नए मंदिर का डिजाइन मंगलवार को सोंगपुरा बंधुओं की कड़ी मेहनत से तैयार हो गया है। इस मंदिर का आकार अब बढ़कर 84,600 वर्ग फीट हो गया है। पहले से 10,000 वर्ग फीट ये ज्यादा है। बिहार में जहां बारिश से बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं, वहीं आसमानी बिजली गिरने से लोगों की जान भी जा रही है। राज्य में आसमानी बिजली गिरने से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अमेरिका ने चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली 11 कंपनियों के एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला उइगर मुसलमानों पर चीन में हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संगठन ने चेताया है कि भारत, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों और पूर्वी अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन के कारण टिड्डी दल का हमला खाद्य सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को उन पर लगाए 35 करोड़ रुपए घूस देने के आरोप में कानूनी नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि पायलट ने भाजपा में शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। कोरोना से जुड़े कचरे को लेकर NGT ने बयान जारी कर कहा है कि इस कचरे को दूसरे कचरे से अलग करना समय की जरूरत है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि देश में रोज लगभग 101 मैट्रिक टन बायोमेडिकल कचरा तैयार हो रहा है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। इसे देखते हुए सरकार ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं देश के सबसे संक्रमित 6 शहरों से कोलकाता आने वाली सभी उड़ानों पर 31 जुलाई तक पाबंदी बढ़ा दी गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन पर भारतीय व विदेशी वैज्ञानिकों ने भरोसा जताया है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी इस मामले में दूर जाना है। वहीं इस वैक्सीन के ट्रायल में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए कहा कि नए संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय भवनों के निर्माण में किसी भी धरोहर ढांचे को नष्ट नहीं किया जाएगा और न ही पेड़ों को काटा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 37,724 नए मामले सामने आए। वहीं 648 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,92,915 हो गई है, तो वहीं 28,732 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस मुंबई में बुजुर्गों के लिए काल बन गई है। मुंबई में कोरोना से हुई कुल मौतों में 1/3 से ज्यादा बुजुर्गों की संख्या है। अब तक कुल 5,817 मौतों में से 1,708 मौत 60 से 70 उम्र के बीच के लोगों की हुई है।